गुरु जी मुझे खाना नहीं बचता, जैसे कुछ खाती हूँ तो मुझे मतलब के फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। जिनको भी खाना, माइक चालू, जिनको भी खाना खाने के बाद एकदम भागना पड़ता है शौच के लिए, तो उनके पेट में या तो कीड़े हैं, उनके पेट में या तो कीड़े हैं या उनके पेट में आम है, आम मतलब मल चिपक गया, तो आपको अपनी शुद्धि करानी पड़ेगी, बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। तो आप अपनी आंतों की शुद्धि कर लो, ठीक हो जाओगे। ठीक है गुरु, ठीक। ये जितने भी लोग गुस्सा करते हैं ना, जितने भी लोग गुस्सा करते हैं, जब भी गुस्सा आए तो धरती पे पांव टिकाओ, नंगे पांव जमीन पे, 2 मिनट में गुस्सा गायब हो जाता है। जी, तो गलत बात है। आप कहाँ रहते हो? रोहतक हरियाणा। दोबारा पूछो सवाल अपना। मैं कहता हूँ 12 बजे रात को सोया हूँ तो सुबह 2 बजे उठ जाऊंगा। 2 घंटे ही सोते हो? 2 घंटे सिर्फ। तो अच्छा तो है, भजन करो जाग के, काहे सोना है? 3 बजे उठ के कथा लगा देता हूँ। अच्छा, 6 से 9, 9 से 10 भजन करो भगवान का। अच्छा, बुढ़ापे में नहीं आती, पहले लीवर खराब था, अब दिल्ली दिखाया, बाथरूम की नली में ये पथरी थी, एक पथरी और थी, दोनों पथरी एक निकलवाई है, दिल्ली जाके ऑपरेशन करा। पत्थर खाते हो क्या? पथरी, पथरी खाते क्या हो? दाल रोटी। तो उसमें पत्थर कहाँ से आ गए? आपको सूरज डूबने के बाद खाना बंद करना पड़ेगा, मतलब शाम का खाना। मैं शाम को खाना 6 बजे खा लेता हूँ। हाँ, बस 6 बजे के बाद नहीं खाना। हाँ। और पका हुआ भोजन नहीं खाना, कुछ दिन तक सलाद फ्रूट खाओ, ठीक है, और थोड़े दिन लीवर का इलाज करा लो, लीवर गड़बड़ है आपका, लीवर आपका 80-85 खराब हो चुका है, तो आपको लीवर का इलाज करना पड़ेगा। लीवर की टेबलेट भी हर वक्त रखता हूं। हम लोग एलोपैथी दवाई नहीं देते, हम आयुर्वेद देंगे आपको। हमारे पूरे भारत में 120 क्लिनिक और हॉस्पिटल हैं। हाँ। कहीं भी चले जाना, डॉक्टर से मिल लेना, मिलने की चेकअप की कोई फीस नहीं है, ठीक है, ठीक है, और आप दवा ले लेना, ठीक हो जाओगे। ठीक, चिंता ना करिए, सोएंगे अच्छा। लीवर कमजोर है। बोलो बोलो, ठीक है। आप थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रोज खाया करो सौंफ के साथ, जिसको भी पीलिया हो जाता है ना महाराज जी, जिसको भी पीलिया हो जाता है उनको इतना सा गुड़ का टुकड़ा और सौंफ के साथ रोज चबाना है, पीलिया अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक जी। नमस्कार डॉक्टर जी, एक्चुअली मेरे फादर को ना, पापा को बीपी है, उनको लाइक नॉर्मल हम जब बीपी चेकअप कराते हैं तो उनको 140-145 तक रहता है, तो क्या ये नॉर्मल है? मतलब वो 50+ हैं, तो क्या 140 बीपी नॉर्मल है? नॉर्मल नॉर्मल है। महात्मा गांधी जी का बीपी 200/100 रहता था, लेकिन मरे तो वो गोली से। अच्छा, तो टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, इसलिए गोली ना खाना।